पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदी मकरम। जमीयत उलमाए हिंद को लेकर के आजकल सुर्खियों का बाजार गर्म हो चला है। जब से मौलाना सैयद महमूद मदनी ने अपने जमीयत के महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, उसको लेकर के तमाम अटकलों का बाजार शुरू हो गया है। आखिरकार इतना बड़ा कदम मौलाना महमूद मदनी ने क्यों उठा लिया और इसके बारे में किसी को कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। अब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें हैरान कर देने वाली मौलाना महमूद मदनी के लिए निकल करके हम लोगों के सामने आ रही है, जिसे लेकर के हर कोई मौलाना महमूद मदनी को एक कटघरे में ला करके खड़ा कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मौलाना महमूद मदनी से जुड़ी जो अहम जानकारी हम लोगों के लिए सामने आ रही है वो क्या है। पिछले दिनों जमीयत उलमाए हिंद में भूचाल आ गया था। जमीयत के महासचिव सैयद मौलाना महमूद मदनी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस फैसले पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन इस फैसले से दुनिया भर के मुस्लिम हैरान थे। लेकिन एक बार फिर मौलाना मदनी ने एक और फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। सूत्रों के अनुसार मौलाना मदनी मान गए हैं और वो अब भी जमीयत के महासचिव पद पर बने रहेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। इस्तीफे पर 7 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई जमीयत वर्किंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया जाएगा। मदनी ने इस संबंध में लेटर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक इस्तीफे पर फैसला नहीं हो जाता, वह संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने बुधवार को अध्यक्ष मौलाना कारी उस्मान मंसूरपुरी को बंद लिफाफे में अपना इस्तीफा भेजा था। मदनी द्वारा उठाए गए इस कदम से कारी उस्मान परेशान हो उठे, लेकिन उन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किया, बल्कि उसे वापस मदनी के पास भेजकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। रात भर मामले को लेकर गहमा गहमी बनी रही। कारी उस्मान भी जमीयत के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। गुरुवार को मौलाना महमूद मदनी ने बयान जारी कर बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा कारी उस्मान को भेजा था, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। उनके हुक्म और मशविरे से 7 फरवरी जमीयत उलमाए हिंद की महासचिव ए आमला वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस्तीफे पर चर्चा की जाएगी। पर अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीति में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले के चुनावों में सिर्फ बड़े बड़े दल ही प्रभावी रहते थे, लेकिन छोटे दलों की भी अहमियत हो गई है। इसके अलावा वो संस्थाएं भी जो चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा प्रभाव डाल पाती हैं। हम आपको ऐसी ही एक संस्था के बारे में बताने जा रहे हैं। जमीयत उलमाए हिंद एक ऐसी संस्था है जिसने देश को आजादी में भी अहम भूमिका अदा की और देश निर्माण में भी इस समय। लेकिन इस संस्था की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय महासचिव सैयद महमूद मदनी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मदनी के इस फैसले के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में भी जा सकते हैं। जमीयत उलमाए हिंद का गठन 1919 में हुआ था। इसके बाद से मदनी परिवार का कब्जा इस संस्था पर बना हुआ है। 2007 में संस्था में कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद
अगले वर्ष इसके दो टुकड़े हो गए। एक जमीयत पर मौलाना सैयद अरशद मदनी का रोल बड़ा हुआ तो दूसरी पर महमूद मदनी। फिलहाल महमूद मदनी ने इस्तीफा देकर हलचल कर दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पदाधिकारी से खफा थे, इसलिए ये कदम मौलाना महमूद मदनी ने उठाया है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही है और सब कुछ ठीक रहा तो मदनी साहब कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी पुख्ता खबर नहीं मिली है। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होने की उम्मीद बताई जा रही है। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि अभी हाल ही में मौलाना महमूद मदनी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक बयान दिया था, जिसको लेकर के हर टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगी थी कि मुसलमानों का नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बनना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी पर यह कटाक्ष किया गया और हर कोई मौलाना महमूद मदनी से इसके बारे में जवाब मांगने लगा। और जब जवाब मांगने लगे तो मौलाना महमूद मदनी इस पर आकर के खुल करके बोले और उन्होंने कहा कि वो उनका कहने का मतलब वो नहीं था जो लोगों ने समझ लिया। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो वो उन लोगों से माफी मांगते हैं। पर ये बात यही खत्म नहीं हुई और अब कांग्रेस भी अपनी बड़ी चाल चलने जा रही है 2019 लोकसभा चुनाव में, जहां हर कोई जानता है कि सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अभी अपने एक ही लोकसभा सांसद का नाम डिक्लेयर किया है। अख्तरुल ईमान 2019 में सीमांचल से यानी कि किशनगंज से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मौलाना असरारुल हक कासमी, जो कि कांग्रेस के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता रहे और उससे पहले वो जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े रहे। मौलाना असरारुल हक कासमी ने सीमांचल की सरजमी के लिए बहुत अच्छे कदम भी उठाए, पर उनके अचानक इंतकाल होने के बाद से सीमांचल में अख्तरुल ईमान की पकड़ बहुत अहम बताई जा रही थी। पर असरारुल हक कासमी की जगह को भरने के लिए इस बार कांग्रेस मौलाना महमूद मदनी को मौलाना असरारुल हक कासमी की जगह पर टिकट दे करके किशनगंज से चुनाव लड़वा सकती है। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से हम लोगों के सामने आ रही हैं और ये अब लोग समझने लगे हैं कि कैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर पहले कांग्रेस ने कटाक्ष करवाया और फिर उसके बाद शुरू हो गया कांग्रेस का सियासी खेल। तो ऐसे ही तमाम खबरें लेकर के, मौलाना महमूद मदनी से जुड़ी तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने जुड़ता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।